पिछले दिनों हुई छापेमारी में कायमगंज के कई तंबाकू व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। कायमगंज में जीएसटी टीम पहुंचने पर दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। इससे दुकानों पर खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं फर्रुखाबाद में जीएसटी अधिकारियों का खौफ विगत 6 दिनों से देखा जा रहा है। दुकानों पर अधिकारी अचानक धमक जा रहे हैं। जीएसटी वाले आए हुए हैं, मार्केट में गड़बड़ी मची हुई है, बहुत ज्यादा डर है, खौफ है लोगों को, इसी वजह दुकानें बंद हो गई हैं। जी, इसी वजह दुकानें बंद हो रही हैं। कौन कौन दुकानें बंद हैं आज? आज सारी दुकानें, सभी दुकानें बंद हैं, छोटी बड़ी सब, समोसे वाले से लेकर चाय वाले तक ही बंद है। जीएसटी का ऐसा डर बैठा दिया है कि सारी दुकानें बंद हैं। आज कान बाजार पूरा बंद हो गया। लेकिन ऐसी क्या बात है, दुकानें बंद हो रही है, कुछ पता लग रहा है? जीएसटी के बारे में पता लग रहा, जीएसटी वाले आए हुए हैं कुछ लोग। नहीं, छापा पड़ा बर्तन वाले के यहाँ कायमगंज में। हाँ, कौन बर्तन वाले? वो आप हैं दवाई मंडी। बाजार बंदी कैसी है? बाजार बंदी जीएसटी के अधिकारियों की गाड़ियाँ, क्योंकि पुल गाली पर जिला महामंत्री, जिला के हमारे अध्यक्ष मनोज कौशल जी ने देखी थी, उसमें से एक गाड़ी शहर के अंदर आ रही थी, वहीं पर ही मनोज जी ने उसका विरोध करा। वो लोग अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर के और पिटौरा की तरफ चले गए, क्योंकि व्यापारियों में पुल में दहशत व्याप्ता है। कमालगंज में भी जीएसटी के अधिकारियों ने सर्वे करा था, जन डोंडवारा में भी सर्वे करा है, दुकान दुकान जाकर भी सर्वे करा है। इसका विरोध हम लोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश करता रहेगा। हमारा कहना है कि आप व्यापारियों क्या चाहिए, यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित कीजिए, किंतु उसके ऊपर कोई भी अर्थदंड, कोई भी जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। यदि उन्होंने इसकी कोशिश करी तो हम संपूर्ण बाजार बंद करा करके इसका